भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजर रहे ईरान के यात्री विमान में बम होने की खबर मिली, जिसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर आ गई। ईरानी विमान के पायलट ने बम की धमकी वाली कॉल के बाद दिल्ली में ही उतरने की जिद पकड़ ली, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने चीन जा रहे इस विमान को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया। आखिर कैसे ये सब हुआ, आइए जानते हैं। फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद ईरानी विमान के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। इसके फौरन बाद भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई। ईरान की राजधानी तेहरान से चीन जाने वाली इस उड़ान में बम की खबर लगते ही सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। इसके बाद एयरफोर्स ने दो SU-30 MKI फाइटर जेट तैनात किए, के अनुसार विमान को भारतीय वायु सीमा के बाहर जाने तक उस पर वायुसेना की बारीकी से नजर रही। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक ईरान की महान एयर का ये विमान करीब 45 मिनट तक भारतीय वायु सीमा में था। 9:25 पर हमें फायर कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि एक फ्लाइट जो तेहरान से चाइना जा रही है, ईरानियन एयरवेज की 081, उसमें बॉम्ब स्केयर था। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने असिस्टेंट डिविजनल अफसर विद फायर यूनिट्स वहाँ पे टर्न आउट कराए थे। वहाँ पे गाड़ियों की हमने तैनाती कर दी थी सीनियर ऑफिसर के साथ में, लेकिन बाद में ये पता चला कि फ्लाइट को लैंड नहीं किया गया, फ्लाइट लैंड नहीं हुई और वो वहाँ से बॉम्ब स्केयर जो था वो कैंसिल। विमान में बम की खबर मिलने के फौरन बाद भारतीय वायुसेना के दो सुखोई लड़ाकू विमान एक्टिव हो गए और इसके बाद दोनों लड़ाकू विमान एक सुरक्षित दूरी के साथ ईरान विमान का पीछा करते रहे।